गुड मॉर्निंग भाई लोगों, आज है 27 अगस्त 2024। और भाई लोगों, आज का दिन शुरू हुआ है भैया जी के साथ। सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ गया मेरे को, लीडी गई है बाल कटवाने के लिए भाई लोगों सुबह सुबह, और मेरी क्लास लगी हुई है। और भाई लोगों, आज ऐसा एक ही आज हम बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पर भाई 2 साल से कैसे रह रहा हूँ बिना फ्रेंच बोले, ये अलग ही टाइप की गुत्थी है भाई, जो मुझे नहीं समझ में आई कि मैं 2 साल से रह रहा हूँ बिना फ्रेंच बोले। जो लोग यहाँ आते हैं वो बोलते हैं कि भाई एक एक्सपीरियंस वही होता है जब फ्रांस आते हो तुम घूमने के लिए, एक फ्रेंच एक्सपीरियंस लेने के लिए तुम्हें भाई फ्रेंच आनी, फ्रेंच बोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट 2 साल से मैं थोड़ा इधर उधर डूब रहा था कि भाई सीखूं नहीं सीखूं, सीखूं नहीं सीखूं। तो भाई मैंने डिसाइड कर लिया है कि भाई फ्रेंच सीखेंगे और तुम्हें भी थोड़ा बहुत सिखाएंगे इस वाले व्लॉग में। ज़्यादातर तुम भाइयों को पता ही है मैं फ्रांस में रह रहा हूँ लास्ट 2 साल से, बट भाई लोगों ये जो बोल रहा हूँ मैं फ्रेंच नहीं आती मेरे को, ये भी भाई चेंज होने वाला है। और 10 दिन के अंदर अंदर मेरी फ्रेंच की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जहाँ पे मैं जाऊँगा फ्रेंच सीखूंगा। इस बार भाई पूरा एफर्ट डालूंगा फ्रेंच सीखने के लिए, क्योंकि भाई फ्रांस आ रखे हैं, तो फ्रांस में आने के बाद भाई फ्रेंच कल्चर के साथ रूबरू होना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंच कल्चर के साथ रूबरू होना यही नहीं है कि भाई बस चीज़ खा लिया, ब्रेड खा ली और तुम फ्रेंच बन गए, ऐसा नहीं है भाई। फ्रेंच बनने के लिए हमें भाई फ्रेंच भी बोलनी पड़ेगी, और ज़्यादातर लोगों से इधर उधर मिलने के लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए इंग्लिश में इतने तगड़े पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाते वो, तो उनकी लैंग्वेज सीखते हैं और उनके बारे में पता करते हैं भाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लाइफ के बारे में, और तुम्हें भी बताते हैं थोड़ा बहुत। बुआ भाई लोगों, 10 दिन में जो फ्रेंच क्लास शुरू हो जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि भाई घरों घर के काम खत्म हो जाएंगे, लेडी के ऊपर पड़ जाएंगे अंत काम, बट फिर भी ऐसे काम होता है, लेडी लिटिल लाइफ को घुमाना और भैया जी का टाइम पास कराना, भैया जी के साथ खेलना होगा। मैं बहुत कम मिल पाऊंगा भाई मुझे लगता है ऐसा, बट काम खत्म नहीं होंगे, काम तो चलते रहेंगे घर पे। जैसे आज मैं बिरयानी बना रहा हूँ, और कल रात को यार मैंने ना चिकन है, चिकन को मैरिनेट कर दिया था बिरयानी के लिए। बहुत सारा चिकन है, देखो ये देख रहे हो अंत चिकन है, पूरे चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया था कल आगे के लिए, बहुत सारे टाइमों के लिए। मैं नहीं खाता भाई, मैं चिकन नहीं खाता, मैं वेज हूँ, बट मैं बना रहा हूँ जैसे रसोई के काम आ जाएगी। और जब कहीं किसी के घर जाते हैं तो कई बार मैं उनके लिए लेके जाता हूँ साथ में, तो भाई पहले से अभी दाल मखनी भी मैंने बना के रखी थी 4-5 दिन पहले, जो भाई अगर जैसे मैं स्कूल जाने लग जाऊंगा तो उस टाइम पर मेरे काम आएगी ये सब चीज़ें मेरे को। ऐसे ही भाई अपने लिए भी वेज बिरयानी बनाऊंगा थोड़े दिनों में, उसको भी बना के रख देंगे। ठीक है भाई लोगों, और तुम्हें बताता हूँ मैं आगे, अब थोड़ा बहुत हम जोई से पता कर लेंगे, वो हमको बता देगी कैसे क्या बोला जाता है थोड़े बहुत नए, कि अगर तुम आते हो यहाँ पर तो अगर जोई से पता कर लेंगे जब, तो अगर जैसे कैसे इजी से इजी सेंटेंस बोले जा सकते हैं उससे थोड़े बहुत बातें कर लेंगे, वो बता देगी हमें, तो मैं लिख के दिखा दूंगा और बता दूंगा उसका मतलब क्या होता है और कैसे प्रोनाउंस करते हैं। धीरे धीरे इस पे चलते हैं भाई लोग। अब बाय।
अबे व्हाट व्हाट बो 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 बो। तो भाई लोगों अभी हमारा क्या लिटिल एफ को भाई तुम्हें बताया था कि डेली काम तो खत्म होंगे नहीं, चाहे स्कूल शुरू हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारे काम तो चलते रहेंगे। लिटिल एफ को घुमाना, भैया जी को बाहर वॉक पे लेके आना, तो उसकी फिर भैया जी को खाना खिलाना, भैया जी का स्नैक खिलाना, भैया जी को नैप दिलाना, ये भाई हमारे डेली रूटीन के काम है, चलते रहते हैं। तो भाई लोगों अब अपना लेसन शुरू करते हैं, यहीं से लेडी से पता करते हैं एक दो सेंटेंस, आने दो उसको उधर से इसको पॉटी करा के, उससे पता करते हैं कि भाई कैसे बोलते हैं लिटिल एफ पॉटी करके आई है। सो लेडी हाउ यू से लिटिल एफ डन काका इन फ्रेंच? क्या काफी नहीं, दैट्स इट, दैट्स द शॉर्टेस्ट, या दैट्स द शॉर्टेस्ट। तो मेरा हवाई से लिटिल एफ फिनी सन काका, व्हाट लिटिल एफ फिनी सन काका, व्हाट इट मींस इंग्लिश? Little F has finished her caca. भाई लोगों इसका मतलब है टट्टी खत्म करके आ गए Little F. ऐसे होते हैं लोग, इससे पूछो फ्रेंच में बोलने के लिए दो लाइन दो वर्ड का फ्रेंच बता दिया और हमको बोलते हैं फ्रेंच सिखाएंगे। इट्स ऑल्सो गुड, भाई सुन लिया तुम लोगों ने तो ये भी बोल सकते हो, ये शॉर्टकट है। ठीक है भाई लोगों घर पे चलते हैं और देखते हैं आगे फिर। ओके भाई लोगों सुबह से भाई बिरयानी बना दी और इधर उधर की बातें कर ली, भैया जी को घुमाने ले गए, भैया जी का टाइम पास कर दिया और क्या किया, और लिटिल एफ को घुमाने भी ले गए थे भाई लोगों, लेडी ने मेरा दिमाग खाया, ये सब चलता रहा पूरे दिन से इधर उधर का बातें भाई लोगों। और मैंने बिरयानी भाई बना के पैक भी कर दिया, अभी तक मैंने फ्रीजर में जाके पड़ गई है, उसको मैंने मार्क भी कर दिया किस दिन पे क्या है। बट भाई तुमसे मैंने बोला था कि लेडी हमें बताएगी कि भाई कैसे कुछ लिखते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, ये सब चीज़ें इसके बारे में बताएगी है, मगर वो पूरे दिन से शुरू नहीं किया अभी तक। सोच रहे हो अंधेरा रात आ गई है, रात में भागने जा रहा हूँ, दौड़ने के लिए तैयार हूँ, फिर दौड़ने के जाने से पहले पहले लेडी से ये सब चीज़ें कराते हैं। लेडी को मैंने बोल दिया भाई ये तेरे पे कंसर्न करता है, तो लेडी अभी भाई बिल्कुल फ्रोज होकर बैठी हुई है, स्टैच्यू बन के बैठी हुई है, उसको नहीं पता क्या होने वाला है। तो चलते हैं लेडी के पास। इसी भाई लोगों अभी आया, मैं इसके पास बोल रहा था कि आ रहा हूँ मैं कैमरा लेके, इसकी हालत देख लो, शक्ल देख लो इसकी, लाइक सी हर फेस, देख भी नहीं पा रही कैमरे की तरफ। तो भाई लोगों आ गया मैं इसके पास, अब इससे पता करते हैं भाई, लाइक यू रिमेंबर आई आस्क्ड यू समथिंग टू से इन फ्रेंच, सो यू हैव टू से समथिंग इन फ्रेंच, लाइक हेलो 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 Okay, hello. Cuckoo. Okay, this is hello. What is bonjour then? Bonjour is good morning. And cuckoo is? Hello. Hello. Yeah. How is it? How are you? Comment ça va? But if you have to reply like, how to reply that? Ça va. And if you are like so-so? Nobody says so-so. Comme ça, ça. Comme si, comme ça, that's what you want me to say. Something like this. Comme si, comme ça. It's like so-so. Okay, like you are so-so. That's what I was coming to. So how, what do you say again? Repeat. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça, you keep it in your ass. The one, how are you? How you say that? Comment ça va? Comment ça va? Ouais. How to write it? C-O-M-M-E-N-T. So how to write it, what you said, lady? So I have to come. Voilà. So this is... How are you? I'm okay. I'm okay. Yeah, ça va. Okay. My name is this kind. Like, my name is Zoe. Your name is Zoe? Yeah. Shit, it was not recording, but it started again. So now, practice. Okay, lady. You can go. It's bright.
like, I can go to sleep now. Yeah, it was like I was stopping her to sleep. Yes. You were just fake, like, whoa. No, I want to go to sleep now. Oh, she's faking. Go. No. No, no, go. What no now? I'm going to brush my teeth and prepare tennis singing. I will go for a run, guys. I will meet you in the morning. Now, what happened to her, Bakchodi, I will give you a tip. Which tip? My friends, now I'm running back to you. लिटिल लाइफ के साथ गया था आज. मैं दौड़ने तो नहीं गया था, मैं वॉक पे गया था. वॉक करी और मैंने अपनी जंपिंग रोप्स करी. मान लो कि कम से कम 40 मिनट की जंपिंग रोप्स करी और 30 मिनट की वॉक थी. बट भाई लोगों, मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें बताया था कि फ्रेंच के बारे में बात करेंगे. थोड़ा बहुत एक दो सेंटेंस तुम्हें सिखा दिए, ज़्यादा नहीं यार. ज़्यादा करूँगा तो मेरे सर पर भी बैठ जाएगा, मुझे भी नहीं आएगा और तुम्हें भी नहीं आएगा. तो भाई लोगों, एक बार रिपीट कर लेते हैं. जो उसने हमको समझाया था वो तो सो गई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. जो उसने हमको बताया था वो रिपीट कर लेते हैं. कम सवा, इसका मतलब है हाउ आर यू, एंड सवा इज मतलब आई एम ओके. जमा पहल वरुण, आई एम वरुण. ऐसे है ये सब भाई लोगों. तो तुमसे मिलते हैं दोबारा. बाय.